सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम वाजपेयी। मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल को लेकर जो 100 अंकों का आपका फिजिकल होने वाला है उसको लेकर एक अपडेट निकल कर आया है, जिसमें 100 मीटर दौड़ कुल 20 अंक, दौड़ जो है 800 मीटर कुल 20 अंक, लंबी कूद 20 अंक, ऊंची कूद 20 अंक और गोला फेंक 20 अंक। ये कोई हिंदी संस्थान मंथन की ओर से जो है एक जानकारी जो है डाली गई है। मुझ तक कैसे भी ये जानकारी पहुंची, तो इसकी अभी जो है हम ऑफिशियल पुष्टि तो नहीं करते हैं कि आपका फिजिकल जो है इस प्रकार से होगा या इतने मार्क्स जो हैं ऐसे ऐसे होंगे, परंतु इस तरीके से डिज़ाइन इसको किया गया है कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो अगला फिजिकल हो, इसमें 100 मीटर दौड़ जो है कुल 20 अंक की है। अगर आप 14 सेकेंड या उससे कम में इसको पूरा करते हैं तो आपको पूरे 20 अंक मिलेंगे, 16 सेकंड में पूरा करते हैं तो 14 अंक मिलेंगे, 18 सेकंड में पूरा करते हैं तो ये 7 अंक मिलेंगे और 18 सेकंड से अधिक लगते हैं तो 0 अंक मिलेंगे। दौड़ अगर 800 मीटर की हम बात करें, कुल 20 अंक की है, जिसमें अगर 2 मिनट 30 सेकंड तक हमको 20 अंक मिलेंगे, 3 मिनट तक 14 अंक मिलेंगे, 3 मिनट 30 सेकंड तक जो है 7 अंक मिलेंगे और 3 मिनट 30 सेकंड से अधिक में 0 अंक मिलेंगे। एक लंबी कूद का इवेंट रहेगा जिसमें कुल 20 अंक का ये इवेंट रहेगा। 3 मीटर 65 सेंटीमीटर से कम अगर हम लंबी कूद करेंगे तो 0 अंक मिलेंगे, 3 मीटर 65 सेंटीमीटर तक करेंगे 7 अंक मिलेंगे, 3 मीटर 90 सेंटीमीटर तक करेंगे 11 अंक मिलेंगे, 4 मीटर 40 सेंटीमीटर तक करेंगे 14 अंक मिलेंगे, 4 मीटर 40 सेंटीमीटर तक करेंगे 17 अंक मिलेंगे, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर तक करेंगे तो 20 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार ऊंची कूद रहेगी, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तक ऊंची कूद करेंगे 0 अंक मिलेंगे, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर से कम में 0 अंक है लेकिन अगर इस तक करेंगे तो 7 अंक मिलेंगे, और 1 मीटर 10 सेंटीमीटर तक करेंगे तो 11 अंक मिलेंगे, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर तक करेंगे तो 14 अंक मिलेंगे, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तक करेंगे तो 17 अंक मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार 1 मीटर 25 सेंटीमीटर तक करेंगे तो 20 अंक मिलेंगे। गोला फेंक में भी ठीक उसी प्रकार से होगा कि 1 मीटर 5 सेंटीमीटर से कम करेंगे तो 0 अंक मिलेंगे, और 5 मीटर तक करेंगे, यहाँ पर 5 मीटर से कम करेंगे तो 0 अंक मिलेंगे, 5 मीटर तक करेंगे तो 7 अंक मिलेंगे, 6 मीटर तक 11 अंक, 7 मीटर तक 14 अंक, 8 मीटर तक 17 अंक और 9 मीटर या उससे अधिक पर 20 अंक दिए जाएंगे। तो जो आपका 100 नंबर का फिजिकल होने वाला है उसमें जो है 100 मीटर की दौड़ को ऐड किया जाएगा और यहाँ पे ऊंची कूद को ऐड किया जाएगा। 2 इवेंट जो है नए ऐड करे जाने हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के फिजिकल में, उसके साथ ही बाकी इवेंट जो है सेम टू सेम रहने वाले हैं, लेकिन अब उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है अंक होने वाले हैं। ये जो है आपके सामने जानकारी जो है अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और SB स्टूडियो भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, परंतु लगभग संभावना है कि इसी प्रकार से जो है मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल के जो 100 अंकों का जो फिजिकल होने वाला है वो इस प्रकार से होगा, जिसमें 100 मीटर दौड़ के जो है कुल 100 मीटर जो दौड़ होगी वो 20 अंक की होगी, और ये एक प्रकार से 100 मीटर की रनिंग होगी, एक 800 मीटर की रनिंग होगी, एक लंबी कूद का इवेंट होगा, एक ऊंची कूद का इवेंट होगा, एक गोला फेंक का इवेंट होगा, और इस प्रकार से आपके 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के इवेंट में जो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो संपन्न होगा और अलग अलग प्रकार से आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये लगभग संभावना है कि इस प्रकार से जो है आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल जो है डिज़ाइन होगा, परंतु इसकी अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। चूँकि ये व्हाट्सअप टेलीग्राम पर ये चीज़ वायरल हो रही थी तो इसको समझाना और जानकारी देना आपके लिए ज़रूरी था, लेकिन जब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी कि आपका पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल इसी प्रकार से होगा तब हम इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर देंगे। फिलहाल ये हिंदी संस्थान मंथन के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, जैसा कि आपको बैकग्राउंड पर जो बैकग्राउंड पर दिख रहा है कि हिंदी संस्थान मंथन के द्वारा जो है इसको बना के डाला गया है,
और वो इसकी पुष्टि करते हैं तो अच्छी बात है, परंतु अभी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग और व्यापम के द्वारा इस प्रकार की किसी भी पुष्टि को नहीं किया गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल इस प्रकार होगा, लेकिन जानकारी आती है तो बताना हमारा धर्म है। लगभग आपके मन में एक खाका तैयार होना ज़रूरी है कि इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो सकता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।